आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कैसा फॉर्मूला जो कि ना सिर्फ आपके फेस के लिए बल्कि पूरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। चाहे आपकी स्किन डल है, स्किन में कालापन है, या पर्टिकुलर किसी भी पार्ट में लाइक कोहनी, घुटने या नेक में कालापन है, या स्किन डल हो चुकी है, स्किन में डेड लेयर है, स्किन में एक्सेस ऑयल सीक्रेट हो रहा है, डिस्कलरेशन है, या फिर क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम है, तो सारी प्रॉब्लम का ये एक DIY सॉल्यूशन है जिसे मैंने कुछ इफेक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ प्रिपेयर किया है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप इसे अपने फेस पे इस्तेमाल करिए, आप अपनी पूरी बॉडी पे इस्तेमाल करिए एज अ फेस वॉश या फिर एज अ बॉडी स्क्रब या बॉडी वॉश, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सिर्फ एक DIY को यूज करने से आप कई प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल DIYs की वीडियो लेके आती रहती हूँ। साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें। वैसे तो इस DIY को आप किसी भी सीजन में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये समर सीजन है, डेट टाइम पे हमारी स्किन टैन हो जाती है, जरा सा बाहर निकलते हैं एक्सेस ऑयल फेस पे नजर आने लगता है जिसकी वजह से हमारी स्किन डल नजर आने लगती है, और इसके साथ ही आपको पिंपल एक्ने भी ज्यादा होते हैं क्योंकि पोर्स क्लॉग हो जाते हैं एक्सेस ऑयल की वजह से, जिससे फिर एक्ने और पिंपल में वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इस DIY को वीक में एक बार अपनी पूरी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको इंस्टेंटली इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, आप खुद से ही बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर क्लिक करके उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत हो गई बकबक, चलिए इस DIY को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम लेने वाले हैं 1 टेबल स्पून कॉफी पाउडर। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप इसे आराम से स्किप कर सकते हो। ये जस्ट मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारे कलर को इनहेंस करता है। अगर स्किन थोड़ी सी डार्क नजर आने लगी है या कलर फेड हो गया है तो उसको लाइटर करता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मक्के का आटा, जो कि पोर्स को डीपली क्लीन करेगा। जितने भी आपके क्लॉग पोर्स होंगे वो सारे अनक्लॉग हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, जो कि स्किन को ब्राइटन तो करता ही है साथ में स्किन को क्लीन भी करता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन, जो कि क्लींजर का यानी कि बॉडी वॉश का काम करता है, साथ में स्किन को ब्राइटन लुक भी देता है, एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करता है और स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है। और नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है 2 चुटकी हल्दी। गर्मियों में बैक्टीरियल प्रॉब्लम भी हो जाती है जिससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसलिए अगर आप हल्दी का यूज़ करते हैं लाइक वीक में 2 बार तो हमारी स्किन में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया हाफ बाउल दही, जो कि हमारी स्किन को डीपली क्लीन कर देगा। अगर आपकी स्किन में चिपचिपापन है, एक्सेस ऑयल लग रहा है आपको, या आप बिल्कुल फ्रेश फील करना चाहते हैं तो एक बार आप दही से नहा कर देखिए तो आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाती है, जो भी मैल वगैरह होता है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाता है और हमारी स्किन बिल्कुल साफ दिखाई देती है। तो सबको मिला के इस तरीके से हमें पेस्ट बना लेना, अलग से कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप ऐड कर सकते हो ताकि इस तरीके का स्मूथ पेस्ट बन जाए। उसके बाद सीधा आपको बाथरूम में जाना है एंड देन आप इसे फिर अपनी बॉडी पे अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। जैसे थोड़ा थोड़ा आपको अप्लाई करना है, साथ में बॉडी को अच्छे से स्क्रब भी करना है यानी कि क्लीन ज़रूर करना है। आप यहाँ पे लूफा का यूज़ कर सकते हो या फिर आप लाइक बॉडी जो स्क्रबर ब्रश आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप हैंड से इस तरीके से आप बॉडी को क्लीन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपने पहले हैंड पे अप्लाई किया, उसके बाद आप नेक पे अप्लाई करें अच्छे से। अगर आपकी नेक काली हो चुकी है, नेक पे मैल जम रहा है तो आप इसे 2-3 बार जब अप्लाई करेंगे लाइक वीक में 2 बार अप्लाई कर लो या 2 वीक में 4 बार अप्लाई कर लो, 4थी बार में आपको पूरा जो मैल होगा या जितना भी डिस्कलेशन होगा वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और फेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि हमने इसमें कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया है बट ये बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करेगा, बिकॉज दही की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आप इसे अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, आप अपने अंडरआर्म्स को क्लीन कर सकते हो, प्राइवेट पार्ट में जो कॉर्नर एरिया होता है वो भी समटाइम डार्क हो जाता है तो वहाँ पे भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इनर बॉडी के लिए नहीं यूज़ करना, एक्सटर्नल पार्ट पे आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हो। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं इसे अपने अंडरआर्म्स के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सभी आपकी बॉडी के लिए पूरी तरीके से सेफ है। और लेग पे जो भी क्लॉग पोर्स होंगे, मोस्टली थाइज में हमारे ब्लैक हेड हो जाते हैं तो उन्हें भी अच्छे से क्लीन कर देगा। उसके बाद आपको पानी से रिंस कर लेना है पूरी बॉडी को, यानी कि आप आराम से नहा सकते हो और आपको यहाँ पे इंस्टेंटली इस तरीके से फ़र्क देखने को मिल जाएगा कि जो भी डलनेस या ब्लैकनेस के साथ साथ जो भी टैन है वो भी रिमूव हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग एंड इफेक्टिव DIY बॉडी स्क्रब या फिर फेस स्क्रब या बॉडी वॉश या फेस वॉश, जो भी आप इसे बोल सकते हैं। अगर सिर्फ इसे अपने फेस पे इस्तेमाल करते हैं तो आप
10-15 मिनट अप्लाई करने के बाद देन आप इसे लीव कर सकते हैं, उसके बाद फेस वॉश कर सकते हैं। अगर पूरी बॉडी पे नहाते वक्त इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे पूरी बॉडी को डीटैन कर सकते हैं और पूरी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेल फीमेल कोई भी इसे यूज कर सकता है, सबके लिए सेफ एंड बेनिफिशियल है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।